खाते में अचानक 15 लाख रुपए आ जाए तो कोई भी उछल पड़ेगा। महाराष्ट्र के एक किसान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके जनधन खाते में 15 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। किसान को लगा कि शायद ये रकम उसे केंद्र की मोदी सरकार से मिली है। आनंद फानंद में किसान ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद मेल भी लिख दी। इसी खुशी में उसने खाते में से 9 लाख रुपए निकालते हुए अपना नया घर बना लिया। दरअसल बैंक को यह रकम किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करनी थी, लेकिन गलती से किसी और के खाते में ट्रांसफर हो गई। बैंक का नोटिस मिलने पर किसान की खुशी काफूर हो गई। बैंक ने उसको 9 लाख की रकम वापस करने को कहा। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठक कस्बे के किसान ज्ञानेश्वर ओटे से जुड़ा है। उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के जनधन खाते में कुछ महीने पहले 15,34,000 रुपए जमा हुए। ज्ञानेश्वर ने कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन न तो उसके अकाउंट से रुपए वापस हुए और न ही उनसे इस बारे में किसी ने कोई पूछताछ की। ज्ञानेश्वर को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया अपना वादा पूरा करते हुए उसके खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए। इसी खुशी में उसने खाते में से 9 लाख रुपए निकालते हुए अपना नया घर बना लिया। भोले भाले किसान ज्ञानेश्वर ने जनधन खाते में 15 लाख रुपए आने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। ज्ञानेश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी को मेल लिखकर 15 लाख रुपए देने और इस वजह से घर का सपना पूरा होने के लिए आभार भी जताया। अब सच्चाई सामने आने पर बैंक के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उससे बची राशि लौटाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 5 महीने बाद किसान ज्ञानेश्वर के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें बैंक से एक नोटिस मिला। बैंक ने इसे एक गलती बताते हुए पैसे वापस जमा करने की बात कही। अब बात यहां तक बढ़ गई है कि पैसे ना दे पाने के कारण बैंक लगातार किसान पर दबाव बना रहा है। उधर परेशान किसान ज्ञानेश्वर का कहना है कि वह इतनी रकम कहां से लाएगा, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ बैंक अफसरों की दलील है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को यह राशि पिंपलवाड़ी ग्राम पंचायत के खाते में ट्रांसफर करनी थी और गलती से ज्ञानेश्वर के खाते में ट्रांसफर हो गई। कई महीनों बाद बैंक की आंतरिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ। इसके बाद ज्ञानेश्वर के खाते में शेष 6 लाख रुपए बैंक ने डेबिट कर लिए। अब बैंक के अधिकारी शेष राशि लौटाने के लिए ज्ञानेश्वर से गुहार लगा रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।